हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम दुनिया का अभी तक का मेरा सबसे मेहनत वाला काम है। आज मेरी जो दुकान है वो शिफ्ट हो रही है नए वाले दुकान में। पुरानी दुकान छोड़ रहा हूँ मैं, वहाँ रेंट पर था। तो आज मेहनत का काम बहुत ज़्यादा है। लड़का खड़ा तैयार हो रहा है यहाँ पर, ये शिफ्ट करेगा। तो तैयार हो तुम शिफ्ट करने के लिए? कल संडे है, और कल संडे है तो योगी जी ने फुल लॉकडाउन लगा दिया हुआ है। कल तो शिफ्ट नहीं हो पाएगी, तो आज ही जो काम करना है आज हम लोग को करना है। ये तो बड़े बड़े रैक हैं, लेबर लगा दिया हूँ, लेबर ही उठाएंगे। एक्टिवा चाबी की एक्टिवा में लगी हुई है। पानी आ पानी भर लो, पानी भर लो। लाइट ऑफ करनी है। लाइट और लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ना। रात में आंधी आई हुई थी तो बहुत धूल धक्कड़ हो गया है, सब ऑफ कर देता हूँ मैं। हुआ क्या कि मैंने ढाले वाले से बोला था कि चार लेबर ले लेने को। अब ये है कि कोरोना काल में लेबर वाला मिल नहीं रहा है, कह रहा है कि एक चक्कर का 500 लेंगे। भैया अब इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, एक चक्कर का 500 देना पड़े। हम लोग बोलते हैं हमको 200 रुपये दे, हम एक चक्कर लगा देंगे। मास्क सीधा लगा रहा हूँ, उल्टा को समझ नहीं आ रहा है। ऊपर तो नीचे है, नीचे को ऊपर है। मास्क लगा लो भैया, आप लोग भी मास्क लगाओ, कोरोना से बचो। मैं घर से बाहर ना निकलता लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ किराया देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी दुकान में शिफ्ट हो जाए, थोड़ा पैसा बच जाएगा और आज ही थोड़ा टाइम है। ये उठा लो, वो वाली कुर्सी उठा लो ना, वो वाली भी, वो प्लास्टिक वाली। हाँ तो कोई छोटी चीज़ है डाल दो उसी में। ये अभी सामान आ रहा है धीरे धीरे, ये थोड़ा खुलवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ये भाई अपना खोल रहा है। ये खुलने के बाद सामान ये है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला आएगा। और ये मेरी दुकान है, मैंने इसे पेंट कराया हुआ है। मेरे पास घर पर पेंट बचा हुआ था, इन सब पर रैक लग जाएगा तो सब कलर दिखेंगे नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये दुकान नहीं घर जैसा लग रहा है। फिलहाल रैक लगने के बाद कुछ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ दुकान दिखेगी। ऊपर का वाइट कलर ही है। अपना जो है इस साइड काउंटर आएगा और यहाँ पे एसी लगवाऊंगा ताकि यहाँ से पाइप हो जो है वो पास में हो जाएगी। और कंप्रेसर के जो पाइप होगी यहाँ से बाहर करवा दूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब जब तक सामान आ रहा है थोड़ी सी यहाँ पर, अभी ये जो पहाड़ बंधे हुए हैं ना, इसे बोलते हैं पहाड़, जो ये बांस और बल्ली का लगाया जाता है सपोर्ट के लिए। ऊपर अगर पेंट करना हो गया, कुछ ग्लास वाला काम करना होता है बिल्डिंग पर, तो ये बंधे जाते हैं। घरों में बंधे होते हैं ज़्यादातर। खाने पर जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो आता है, जैसे कि अभी ये तीन रैक आए हुए हैं, तीन रैक और अपने दो चेयर, और वो सब थोड़ा सा आया हुआ है। तो अभी दोबारा क्या, ऑलमोस्ट चार चक्कर लगेगा, चार चक्कर में ही सामान आ पाएगा, क्योंकि अभी वो जो दुकान का बोर्ड है बड़ा सा, वो 12 फिट का है, वो काफ़ी हैवी है, तो उसको भी लाना है। जब तक उन लोग सामान लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल से बैठना चाहिए, नहीं खड़े खड़े तो मैं थक जाऊंगा। हमारे पास चेयर भी है, वो दोनों चेयर मैं ऊपर लेते आता हूँ। अपने सामान की इज्जत खुद करना चाहिए भाई, ये लेबर के भरोसे मैंने कर दी, बोल दिया था कि चेयर भी फिर रख लो और मालूम नहीं किस हिसाब से रखें। ये देखने पूरा कट पिट गया है, इन लोग बहुत लापरवाह होते हैं। इसको रखे रहिए, ये दे दीजिएगा वहाँ पे। अच्छा, वहाँ तारों वाला काम कर रहे हैं ना। अभी एक बार का रैक और होगा ना, एक बार का रैक और होगा ना, दो चक्कर का और। भैया मिस्त्री कह दो खुलवा दे, खोल दिया, अब क्या चढ़ाना ही तो है, इसे करना क्या है। उसमें वहाँ तक जाने की जरूरत ही क्या है। अरे नहीं, वो यहीं पर खड़े होकर चढ़ाया जाएगा ना, इस गेट पर खड़े होकर तभी चढ़ेगा। अरे ऊपर से खींच लेंगे। अरे नहीं हो पाएगा, चलो बोल देते हैं इसको, इसको भी खोल देता है। ये मेन फंसा, ये एक लंबा है ना, ये तो नहीं खोलेगा यार, ये तो ये वहाँ से खुल जाएगा, ये यहाँ से वहाँ तक खुल जाएगा, वो देखो वहाँ तक आता है। यार थोड़ा से कर लो, इतना भी मेहनत वाला काम नहीं। भारी ये तो चढ़ जाएगी, बोरे के नीचे रखा। अच्छा बड़ी वाली बीच में रखी है, इसमें हटवा दी वाला। हाँ ये वाला है कि ये वहाँ से बंधा है, वो तो सामने बंधा है बस, तो यहाँ बंधा है बस, दो जगह बंधा है, एक ये एक ये, बस दो चीज़ हो जाएगा तो आराम से चढ़ जाएगा। चलो इसको तुम नीचे ही रखो, ठीक है, ये मेरे ख्याल से लगेगा भी नहीं, आराम से आराम से आराम से। ये बीच वाला खोल दिया, बस वो खोल देना, अब कह रहे हो खोल दे,
उसमें ये हाँ ये जो चौड़ा वाला है ना ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं ये अब निकल जाएगा। हाँ हाँ क्योंकि वो 5 फीट ज़्यादा, ये 4 फीट का है, वो 5 फीट से ज़्यादा है। ऊपर एक कह रहा हूँ बोर्ड भी है वहाँ पे, वहीं पे वहीं पे दुकान वाला बोर्ड नहीं है, उसको देखिए उतरवा के रखवा लीजिएगा यार। एक बल्ली और हटा दो वाली। इन लोग को क्या है कि थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं, इनको पूरी सुविधाएं चाहिए, इसको हटाइए उसको हटाइए। हमने 4 आदमी लगाया हुआ है कि आराम से लोग उठा उठा काम कर देंगे। और छोटा सा काम है ये देखिए, ठीक है। और 4-4 फीट की अगर हमारी रैके हैं तो कम से कम इसमें उठा कर जा सकते हैं। ये 5 फीट से ज़्यादा ही है तो यहाँ से पकड़ाना है ऊपर, ऊपर पूरा खाली है। लेकिन नहीं, इनको पूरी सुविधा चाहिए, इसको भी हटा दो तभी हम ऊपर करेंगे, करना पड़ता है। आज भर का टाइम है, मजबूरी है, आज हमें सबको शिफ्ट कराना है। कल से लॉकडाउन स्टार्ट है, स्टार्ट क्या कल है, लेकिन कल के बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता ना, लॉकडाउन बढ़ जाए। और रैके हमारे पास बहुत ज़्यादा है, रैक इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकता। वो दिख रही है रैक, इतनी रैक है, अभी 2 रैक और एक्स्ट्रा है वो आएगा। और दुकानें हमारी जो है, हमारी दुकान इतनी बड़ी है बस, उसको नहीं तो पलट के ही रख दो, नहीं तो गिरने का डर रहेगा। इसको ऊपर ही लेते आना, हाँ ऊपर लेते आओ। देखो चाहे उधर उधर सीढ़ी खाली है एकदम उस साइड से, और लगे है चढ़वा ही लो ना, वहीं तो रखवाना ही तो है। आराम से रखना, ठीक है। इन्वर्टर ठीक है, लेकिन वो देख रहा हूँ ना तुम कूड़े को इतने प्यार से मोहब्बत से लाओ, कांच और जो बोर्ड है उसकी इतनी इज्जत नहीं जितने कूड़े की डस्टबिन में रखे बैठे हुए। हाँ हमने तक सेफ आया था भाई, अभी सेफ आया था, गाड़ी भाई चलेगी कोई वैसे तो है नहीं। गाड़ी में होता ही है नुकसान, इसलिए आप थोड़ा कम ही सामान लेके जाइए। इससे मैंने बोला हमके का चक्कर और लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम लाद दिया था। क्या उधरिया यार, तुम्हें पता शीशे वाली चीज है तो उसको समझ के लाना चाहिए था। नए वाले में पुराने वाले रैक फिट हो रहे हैं, पुराने रैक हैं तो फिलहाल वो पुराने हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी काम दे देगा ये। पीछे कुछ बोर्ड के वो कटे हुए थे तो वो तो वैसे ही है, बाकी ये मैं हूँ, ये मेरी दुकान है। हाल ये हो गया है कि सुबह से कंडीशन देख के लग रहा होगा ना मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ। हाँ सही बात है, कल लॉकडाउन है, कल संडे है, फुल लॉकडाउन है, तो आज ही पूरा कंप्लीट करना है, सारा का सारा काम आज कंप्लीट करना है। आज दुकान भी शिफ्ट कर रहा हूँ, और कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आपको तब रियलाइज़ होता है जब आपके अपने कोई इन्फेक्टेड हो और वो दुनिया में ना रहे, तब आप अपनी लापरवाही कम करते हैं। तो इवन आज दुकान शिफ्ट कर रहा था, ठीक लग रहा है हाँ जल्दी दुकान शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी मिली। आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ कोरोना को सीरियस लीजिए, ये जो आप बड़े वो से बोलते हैं अरे कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ठीक है, जब आपका अपना कोई जाएगा तब दुख होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहिए और सेफ रहिए, इतना ही कहूँगा। थोड़ा सीरियस ले लीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज करिए, इमरजेंसी काम है तब आप बाहर निकलिए। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोल हो गया मतलब दिमाग आपका कहीं और हो, सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ सीरियस हो जाओ यार, ये पिछली बार वाला कोरोना नहीं है, ये और भी अब मतलब पता नहीं किस हिसाब से अटैक कर रहा है कि 3 दिन में रिजल्ट आ जा रहा है, तो प्लीज़ बच के रहिए।